हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकंड पार्ट सेवेंथ क्लास साइंस के 10 चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स का। तो पार्ट वन में हमने इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स के सिंबल्स को देखा, फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को। सबसे पहले एक एक्टिविटी आपको गिवन है, टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। एक मैच बॉक्स, माचिस की जो डिब्बी होती है उसके अंदर ऐसा कार्डबोर्ड ट्रे आपको मिलेगा जिसमें मैच स्टिक्स रखी होती हैं। मैच स्टिक्स को आपको रिमूव कर देना है और इस ट्रे को ले लेना है। नाउ रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे। इस कार्डबोर्ड ट्रे के ऊपर इस तरीके से आप रैप करेंगे एक वायर को। एंड प्लेस अ स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट। इसके अंदर एक कंपास नीडल रख देंगे ट्रे के अंदर। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू अ स्विच एज शोन इन फिगर 10.17। देखो, ये आपने एक मैच बॉक्स की ट्रे ली, इसके अंदर एक कंपास को रखा और ऊपर से इसको रैप कर दिया एक वायर से। अभी इस वायर को आपने कनेक्ट करना है एक सेल से, स्विच से और बल्ब से। नोट करिए द डायरेक्शन इन विच द कंपास नीडल इज पॉइंटिंग। तो हमें पता है कंपास नीडल हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती है। ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल। अब आपको कंपास नीडल के पास में एक बार मैग्नेट को लेकर आना है। ये एक्सपेरिमेंट हम प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हैं। देखो, ये है बार मैग्नेट, ये कंपास है जिसकी नीडल हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती है। अब जैसे इस बार मैग्नेट को आप पास में लेकर आएंगे इस कंपास नीडल के, तो आप देखेंगे कि कंपास नीडल एकदम से डिफ्लेक्ट करेगी, मतलब कि जो डायरेक्शन थी इसकी पहले उसको वो एकदम से चेंज हो जाएगी। और इसका रीज़न ये है क्योंकि कंपास के अंदर जो निडल होती है ये भी एक टाइप का मैग्नेट ही है, इसके भी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो आप बार मैग्नेट को लेकर आए, बार का नॉर्थ इधर है तो इसके नॉर्थ की साइड में निडल का साउथ पोल आ जाएगा। ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो दो मैग्नेट्स होती हैं उनके ऑपोजिट पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। देखो, ये होगा, पहले जो कंपास है उसकी निडल नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही थी, आप इस बार मैग्नेट को लेकर आए क्योंकि बार मैग्नेट का साउथ पोल है इसकी तरफ, निडल की तरफ, तो निडल का नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट होके बार मैग्नेट की तरफ आ जाएगा। ओके, नाउ ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। तो जैसे आप बार मैग्नेट को पास में लेकर आए निडल के, तो क्या हुआ, निडल जो है इट डिफ्लेक्ट्स, वो डिफ्लेक्ट होती है। नाउ व्हाइल वॉचिंग द कंपास निडल केयरफुली, अब कंपास निडल को केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना है। मूव द स्विच टू ऑन पोजिशन। ये जो आपने सर्किट बनाया था इसमें अभी स्विच ऑफ था, अब आप स्विच ऑन कर देंगे मतलब कि सर्किट से अभी जो करंट है वो फ्लो होने लगेगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और इस एक्सपेरिमेंट में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। देखो, कुछ ऐसा होगा, पहले जो आपका ये कंपास था इसकी निडल नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही थी, अब जैसे ही आपने यहाँ से इसको कनेक्ट किया मतलब कि आपके सर्किट में जब करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो आप देखेंगे कि निडल एकदम से डिफ्लेक्ट करेगी। अब निडल डिफ्लेक्ट कब करती है, जब दूसरा कोई मैग्नेट उसके पास हो। कहने का मतलब है ये जो वायर गई है इसके ऊपर से ये एक मैग्नेट की तरह काम कर रही है। नाउ मूव द स्विच बैक टू ऑफ पोजीशन। फिर से स्विच को आप ऑफ कर देंगे, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। डज द कंपास नीडल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो देखिए, ऑफ करते ही क्या हुआ, वापस वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ गई है। इसको आप ध्यान से अगर देखें, ऑन करते ही डिफ्लेक्ट हुई, ऑफ करते ही फिर से वैसे ही आ गई। रिपीट द एक्सपेरिमेंट अ फ्यू टाइम्स, कुछ बार ये एक्सपेरिमेंट आप रिपीट करेंगे। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या इंडिकेट करता है कि जैसे करंट फ्लो होने लगता है ये जो वायर है ये एक मैग्नेट की तरह काम करने लगती है। वी नो दैट द निडल ऑफ अ कंपास इज अ टाइनी मैग्नेट। ये तो हमने देखा कंपास की जो निडल है ये भी एक छोटी सी मैग्नेट ही है, विच पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती है ऐसे। नाउ व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट द निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। ये भी हमने देखा, कोई मैग्नेट को अगर आप इसके पास लेकर आएंगे तो निडल डिफ्लेक्ट हो जाती है, जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर लेती है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट कंपास निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट फ्लोज इन अ नियर बाई वायर। अब आपने ये भी देखा, जैसे ही वायर से करंट फ्लो होता है तो भी ये निडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशंस, इन दोनों को आप कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, जब करंट फ्लो होता है वायर से तब ये निडल डिफ्लेक्ट होती है। तो कहने का मतलब है, व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द वायर डज द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। जब वायर से करंट फ्लो हुआ तो क्या वो वायर एक मैग्नेट की तरह काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है।
दिस इज वॉट अ साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड, हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड पिक्चर भी आपको गिवन है, ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। सो ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर किया इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को। ऑल्सो वंडर्ड, ये उन्होंने भी यही सोचा, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास नीडल एवरी टाइम द करंट वॉज पास थ्रू द वायर। तो इन्होंने देखा कि जब भी इस वायर से करंट पास होता है तो जो नीडल है कंपास की वो डिफ्लेक्ट होती है। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर, तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एक वायर से, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यही है इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि उस वायर को उसने एक मैग्नेट बना दिया। इनफैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट्स, इनफैक्ट इलेक्ट्रिक करंट को आप यूज कर सकते हैं मैग्नेट बनाने के लिए। डू यू फाइंड इट टू सरप्राइजिंग, लेट अस ट्राई इट आउट, चलिए ट्राई करते हैं। एक और एक्टिविटी है, अभी हम बनाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक्टिविटी 10.6, टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड प्लास्टिक और क्लोथ कवर्ड और इनामल्ड फ्लेक्सिबल वायर एंड एन आयरन नेल। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए आप एक कील लेंगे, आयरन नेल लेंगे और एक वायर लेंगे, वायर इंसुलेटर से कवर्ड हो, ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग हो उसके ऊपर, से 6 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग आपको नेल लेनी है। विंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल। अभी इस वायर को आप रैप कर लेंगे पूरी इस नेल के ऊपर, इस कील के ऊपर इस तरीके से, एंड कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ द वायर टू द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल थ्रू अ स्विच एज शोन इन फिगर 10.19। उसके बाद वायर के जो फ्री एंड्स हैं यहाँ से पूरा आपने रैप कर लिया ऊपर से नीचे तक, फिर जो बाकी की वायर बची, क्योंकि बहुत लंबी वायर आपको लेनी है, उसको आप कनेक्ट कर लेंगे एक सेल से और एक स्विच से। नाउ प्लेस सम पिंस और ऑन और नियर द एंड ऑफ द नेल। अब नेल के पास में, नेल के ऊपर कुछ लोहे की पिंस आप डाल देंगे। इस तरीके से आपका एक्सपेरिमेंट है, नेल आपने ली, उसको कॉइल कर लिया है। नाउ स्विच ऑन द करंट, अभी आपको करंट को स्विच ऑन करना है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे और सर्किट से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, ये आपने ऑन किया, तो नीचे जो पिंस पड़ी थी वो एकदम से नेल से चिपक जाएंगी। ऑफ किया आपने, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, अभी करंट नहीं फ्लो रहा है तो वापस ये नीचे गिर जाएंगी। सो व्हाट हैपेंस, क्या हुआ, जो पिंस हैं वो क्लिंग हो गई है टू द नेल। डू द पिंस क्लिंग टू द टिप ऑफ द नेल, सो यस, स्विच ऑफ द करंट, फिर से करंट को स्विच ऑफ करेंगे, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया इन्होंने। आर द पिंस स्टिल क्लिंगिंग टू द एंड ऑफ द नेल, क्या वो अभी भी क्लिंग है, नहीं अभी वो नीचे गिर गई है। अभी हमें पता है कि आयरन को, लोहे को अट्रैक्ट कौन करती है, मैग्नेट। तो कहने का मतलब है ये जो हमारी नेल है, कील है, ये अभी एक मैग्नेट की तरह काम कर रही है। द कॉइल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट विच व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। तो अभी ये जो कॉइल है, आपने कॉइल किया है नेल को, वो एक इलेक्ट्रिक मैग्नेट की तरह वर्क कर रही है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच ऑफ, जब इलेक्ट्रिक करंट को आपने स्विच ऑफ किया, द कॉइल जनरली लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म, कॉइल अपने मैग्नेटिज्म को लूज कर देती है। सच कॉइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इस तरीके के कॉइल्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं, जो करंट के पास होते ही एक मैग्नेट की तरह वर्क करती है और ऑफ होते ही उनका जो मैग्नेटिज्म है उसको लूज कर देती है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड वेरी स्ट्रांग, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बहुत स्ट्रांग भी हो सकती है एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स, बहुत हैवी लोड्स को भी ये कैरी कर सकती है, लिफ्ट कर सकती है। जैसे कि इस क्रेन ने इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से इस कार को लिफ्ट किया है। सो द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटीरियल फ्रॉम द जंक, जंक जो कूड़े का ढेर होता है उससे मैग्नेटिक मटीरियल को सेपरेट करने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज किया जाता है। देखो ये जंक यार्ड है, अब जो भी इसमें मैग्नेटिक मटीरियल होंगे वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से चिपक जाएंगे, तो उनको इस जंक से आप फिर रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। डॉक्टर्स यूज टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू टेक आउट स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई। ये कुछ आपको यूजेस बताए गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के। सो एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज किया जाता है मैग्नेटिक मटीरियल को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द जंक। नंबर टू, डॉक्टर्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज करते हैं आँख के अंदर कोई अगर बहुत स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पीस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटीरियल एक्सीडेंटली चला गया है
और तीसरा, मैनी टॉयज ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इनसाइड देम, बहुत सारे टॉयज में भी उनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल बेल। वी आर क्वाइट फेमिलियर विद एन इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल आप सभी ने देखी होगी, इट हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट, उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स, अभी देखते हैं कि वो काम कैसे करती है। फिगर 10.12 में आपको शो किया गया है द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। ये एक इलेक्ट्रिक बेल का सर्किट है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर वाउंड ऑन एंड आयरन पीस। तो यहाँ पर एक आयरन पीस के चारों तरफ आपने रैप कर दिया एक वायर को, ये है दूसरा पीस, ये है। देन एन आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास में ये एक आयरन स्ट्रिप है जिसके एक एंड को कनेक्ट किया गया एक हैमर से। देर इज अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप। अभी इस आयरन स्ट्रिप के पास में यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट स्क्रू है, मतलब जैसे यहाँ से ये कॉन्टैक्ट में आएगा इस आयरन स्ट्रिप के, तो पूरा सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये सेल लगाए गए हैं, देन ये स्विच है इस तरीके से, ये यहाँ पर, यहाँ से ये अटैच्ड है, पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तब जबकि ये स्क्रू कनेक्ट होगा इस आयरन स्ट्रिप के साथ। अभी द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल विच बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपने स्विच ऑन किया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ इस कॉइल से, और ये जो आपने वायर रैप की थी किसी आयरन पीस के ऊपर, लोहे के किसी पीस के ऊपर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी जैसा कि हमने देखा। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमेशा लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर आपने ये एक आयरन की स्ट्रिप लगाई हुई थी, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जब ये इस तरफ अट्रैक्टेड होगा, ये लाइन इधर जाएगी, तो ये जो इससे आपने हैमर को कनेक्ट किया था ये भी आगे जाएगा, और आगे जाके ये जो बेल लगी हुई है इससे टकराएगा। सो इस प्रोसेस में द हैमर, सॉरी कॉइल, इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते ही, करंट के फ्लो होते ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बनी, इसने आयरन स्ट्रिप को पुल किया अपनी तरफ, एंड देन इन दिस प्रोसेस द हैमर एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिप, स्ट्रिप के एक एंड पर ये हैमर लगा हुआ है, ये स्ट्राइक करेगा द गोंग ऑफ द बेल, बेल के इस गोंग को, टू प्रोड्यूस अ साउंड, एक साउंड प्रोड्यूस होगी एक बार इसने टच किया। हाउएवर व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल्स द आयरन स्ट्रिप इट ऑल्सो ब्रेक्स द सर्किट। अभी ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इसने अपनी तरफ इसको पुल किया तो यहाँ से ये हैमर इससे टकराया, गोंग से आवाज आई, लेकिन इसके इधर जाते यहाँ पर जो आपने स्क्रू लगाया हुआ था उससे ये दूर चला जाएगा, यहाँ से हट जाएगा ना, ये अट्रैक्ट करेगा इस आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ, इससे हट जाएगा तो सर्किट हमारा ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर ये आया है करंट तो यहीं तक रहेगा, आगे फ्लो करने के लिए दोनों के बीच में अभी गैप आ गया है, क्योंकि ये जो आयरन की स्ट्रिप थी ये दूसरी तरफ चली गई है, सर्किट ब्रेक हुआ तो यानी कि अभी इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। ब्रेक द सर्किट थ्रू द कॉइल स्टॉप्स फ्लोइंग। कॉइल से जो करंट है, सॉरी करंट थ्रू द कॉइल स्टॉप्स फ्लोइंग, वो फ्लो करना बंद हो जाएगा। विल द कॉइल रिमेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। और हमने देखा था जैसे ही करंट फ्लो होना बंद होता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहती, मतलब कि अब ये मैग्नेट नहीं रहेगी, मैग्नेट नहीं रहेगी तो अब ये इसको जो इसने अट्रैक्ट किया था आयरन स्ट्रिप को, उसको वो अट्रैक्ट नहीं करेगी। जैसे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट ने पिन को अट्रैक्ट किया था ना, उस नेल ने, जैसे ही लेकिन आपने स्विच को ऑफ किया तो एकदम से जो पिन्स हैं वो नीचे गिर गई थी, तो यहाँ पर भी वही होगा, जैसे ही बंद होगा ये पास होना तो ये यहाँ से फिर से वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी। वापस अपनी पोजीशन में आएगी तो फिर से स्क्रू को टच करेगी, टच करते ही फिर से क्या होगा, पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट के कंप्लीट होते फिर से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करते फिर से ये मैग्नेट्स बन जाएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगी तो फिर से लोहे को अट्रैक्ट करेगी, ये जो आयरन स्ट्रिप लगी है अट्रैक्ट करेगी, तो फिर से आपका जो हैमर है वो गोंग पर लगेगा, हैमर गोंग पर लगेगा इसके आगे जाते, लेकिन फिर से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और ये काम बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो टन 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 इस तरीके की आवाज़ आपको आती रहती है। सो कॉइल अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रही है, सर्किट के ब्रेक होते ही नॉन लॉन्ग अभी वो अट्रैक्ट नहीं करेगी आयरन स्ट्रिप को, आयरन स्ट्रिप वापस आ जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जैसे कि वो अभी है, फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट स्क्रू को टच करेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट स्क्रू जो कि पीछे रह गया था क्योंकि ये आयरन स्ट्रिप इस तरफ चली गई थी। दिस कंप्लीट द सर्किट, फिर से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा कॉइल से, द फिर से हैमर गोंग को स्ट्राइक करेगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन, और बहुत जल्दी जल्दी ये प्रोसेस रिपीट होता है। द हैमर स्ट्राइक्स द गोंग एवरी टाइम द सर्किट इज कंप्लीटेड, जैसे सर्किट कंप्लीट होता है
ये जो हैमर है ये गोंग को टच करता है, दिस इज हाउ अ बेल रिंग्स, और इस तरीके से एक बेल रिंग करती है। इसे समझते हैं, फिर इसको इसके पूरे प्रोसेस को भी देखेंगे। स्विच ऑन हुआ, ये पूरा सर्किट है आपका, यहाँ से आपने कॉइल लपेटी हुई है किसी आयरन किसी लोहे के मटेरियल के ऊपर, दो ये है, यहाँ पर ये आपका स्विच है, ये आपने बैटरी लगाई है, ये पूरा सर्किट है, ये यहाँ से टच्ड है पूरा, ऐसे आएगा, ओके, यहाँ यहाँ से ये दोनों कनेक्टेड है। तो स्विच ऑन करते ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, जैसे ही करंट फ्लो होगा, ये जो दोनों कॉइल्स आपने लपेटी थी एक लोहे के मटेरियल के ऊपर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा। जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, जब कोई चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है लोहे को, यहाँ पर ये आपने आयरन स्ट्रिप लगाई हुई है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, इधर आएगा इनकी तरफ, जैसे ही इधर जाएगा ऊपर, यहाँ से आपने एक हैमर को कनेक्ट किया हुआ है तो हैमर भी इसके साथ इधर जाएगा, जैसे ही इधर जाएगा तो इस गोंग से टकराएगा, आवाज़ आएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जैसे ही ये यहाँ से इस तरफ गया, इसको इसने अट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट स्क्रू था, इस स्क्रू से ये अलग हो गया, तो यहाँ पर बीच में गैप हो जाएगा, और जैसे ही वो गैप बनेगा हमारा जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि करंट अभी इससे आगे जाएगा ही नहीं, आगे कुछ है ही नहीं। जैसे ही सर्किट ब्रेक होगा ये अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगी, क्योंकि इनसे करंट ही नहीं फ्लो करता है कर रहा है अभी। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगी तो इन्होंने जो इस आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था वो ये छोड़ देंगी, अभी ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा यहीं पर। जैसे ही अपनी पोजीशन पर आएगा इस कॉन्टैक्ट स्क्रू से फिर से ये टच करेगा, टच करते ही फिर से जो आपका सर्किट है वो कंप्लीट होगा, फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी, फिर से इसको अट्रैक्ट करेंगी, अट्रैक्ट करते ही फिर से यहाँ पर जाएगा ये, फिर से टर्न की आवाज़ आएगी, फिर वही प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। देखो ये है इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग, ये बेल है, ये क्लैपर है, क्लैपर या फिर हैमर, ये कॉन्टैक्ट स्क्रू है, देन ये इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स बैटरी या सेल है, ये बटन है और ऑफ करने के लिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने बनाई है किसी आयरन के लोहे के किसी मटेरियल के ऊपर वायर को रैप करके, और यहाँ पर ये आपने लगाई है एक आयरन स्ट्रिप, ये है आयरन स्ट्रिप लोहे की स्ट्रिप। अब जैसे ही आप इस बटन को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट होगी इस सर्किट से, जैसे इससे करंट फ्लो होगा ये जो आपने एक रैप किया था वायर लोहे के ऊपर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा, और मैग्नेट क्योंकि लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आपने यहाँ पर आयरन स्ट्रिप लगाई थी, ये आयरन स्ट्रिप अट्रैक्ट होगी आपकी इस मैग्नेट की तरफ। अब जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ पर जो आपने हैमर या फिर क्लैपर लगाया था ये टच करेगा इस बेल को, आवाज़ आएगी, लेकिन इसी टाइम पर जैसे ये ऊपर गया है यहाँ से ये जो आपका कॉन्टैक्ट था ये हट गया इस पॉइंट से। अब जैसे ये हटा आपका सर्किट ब्रेक हो गया है, सर्किट के ब्रेक होते ही अभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी तो ये मैग्नेट नहीं बनेगी, मैग्नेट नहीं बनेगी तो अब इसको ये फर्दर अट्रैक्ट नहीं करेगी और ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। फिर से यही होगा, फिर कॉन्टैक्ट हो गया है दोनों के बीच में, कॉन्टैक्ट होते ही फिर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट करेगी, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो फिर से ये मैग्नेट बनेगी, मैग्नेट बनेगी तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। देखो इस तरीके से प्रोसेस और बहुत जल्दी जल्दी होता है, करंट फ्लो होगा ऊपर जाएगा, गोंग टच करेगा, फिर कॉन्टैक्ट हटेगा तो बंद हो जाएगा, मैग्नेट नहीं बनेगी तो वापस आएगा। ओके चलिए, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।